सरफेस केमिस्ट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज कोलोइडल स्टेट। द साइंटिस्ट जिसने इसको पहली बारी प्रपोज किया था, हिज नेम वाज थॉमस ग्रैहम। नाउ व्हाट डिड थॉमस ग्रैहम ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व दैट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक सेलुलोज, गम एटसेट्रा, जब उसने उनको सेलोफेन पेपर में डाला तो उसने देखा कि वो सेलोफेन पेपर से पास थ्रू नहीं हुए, राइट? व्हेयरएज जब उसने NaCl की सॉल्यूशन डाली तो दे इजीली पास्ड आउट थ्रू द सेलोफेन पेपर। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसने बोला कि ऑल द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट पास थ्रू सेलोफेन पेपर they were known as colloids, whereas all those which passed through cellophane paper they were known as crystalloids. Now the word colloids that comes from a Greek word kola, which means glue. Okay, तो उसने बोला कि जो colloids हैं उनका particle size शायद crystalloids से ज़्यादा है. Crystalloids were basically solutions of salts in water. Salt in water. So he said that colloids they were larger particles. जब भी हम उनको water के अंदर डालते हैं तो वो gum की तरह या thick particles की तरह behave करने लग जाते हैं. Whereas crystalloids जो है उसपे कोई भी फर्क नहीं पड़ता when we are dissolving it in water. Therefore crystalloids pass हो जाते हैं parchment membrane से या cellophane paper से. Whereas colloids जो है वो pass नहीं होते, right? An example which we can take over here. For colloids, we can say that, for example, gum, starch, proteins, all these they are examples of colloids. You must have seen when rice is made, तो उसमें से जो पानी निकलता है, that is a little thick. और अगर उसको stand होने दे थोड़ी देर की तरह, तो वो बहुत ही ज़्यादा thickened हो जाता है. So that is what starch is. Okay? और अगर आप पास करने की कोशिश करोगे उसको थ्रू अ सेलोफेन पेपर इट विल नॉट पास, इट विल रिमेन एज इट इज. लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगर हम स्टार्च प्रोटीन्स या गम को वाटर में डिसॉल्व करने की बजाय हम इनको डिसॉल्व करें इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हुए? इफ वी आर डिसॉल्विंग देम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक CCl4, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसमें डिसॉल्व करते हैं तो ये सारे के सारे कोलॉइड्स जो है दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक क्रिस्टलॉइड्स, राइट? एंड व्हेन वी टॉकिंग ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, बट इट इज सीन दैट जब हम लोग NaCl को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कोलॉइड. सो द अबव डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय थॉमस ग्रैहम डिड नॉट सैटिस्फाई द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोलॉइड. सो अ स्टेटमेंट वाज पुट दैट कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस, कोलॉइड इज not a substance but a state of a substance. This is a one mark question that explain why it is said that colloid is not a substance but a state of a substance. That is because
whenever we are mixing compounds or we are mixing substances which appear to us as colloids in organic solvents, they start behaving as crystalloids. In a similar manner, when crystalloids, they are dissolved in substances which otherwise appear to be crystalloids, but agar hum usko un substances mein dissolve karenge, they start behaving like colloids. तो मतलब इसका क्या हुआ, इससे ये रिड्यूस किया गया कि कोलोइड जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट. कौन सा सॉल्वेंट है उसके बेसिस पे उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है. सो इट वाज देयरफॉर सेड दैट कोलोइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, और जो डेफिनेशन कोलोइड्स की दी गई, नाउ इट वाज अ लिटिल डिफरेंट दैट the formation of colloids depend upon the particle size of the solute particles. It depends upon the size of the particle size of the solute particles. Depending upon the particle size, we categorize the solutions into three types. So let's see kya hai. Divided into three types. The first one that is known as true solutions. Second is known as colloids. And third is known as suspensions. ठीक है, सो ट्रू सॉल्यूशंस क्या हुए, ट्रू सॉल्यूशंस आर दोज इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर, व्हिच सेज दैट द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी माइन्यूट. ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इट बिकम्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. क्या बन रहा है वो, होमोजीनियस मिक्सचर, व्हिच मींस दैट इट हैज द सेम फेज. राइट, एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन व्हिच वी कैन टेक इज NaCl glass water. When we go on to colloids, the particle size increases. The particle size is in between 1 nanometer to 1000 nanometer. और जो colloids होते हैं, they appear to be homogeneous. देखने में हमें वो homogeneous लगते हैं, but they are heterogeneous in nature. ठीक है, an example which we can take is milk. Milk जब हम देखते हैं तो हमें एक ही phase में नजर आता है, but उसमें जो colloidal particles हैं, they are soluble cream या fats. ठीक है, and also another example which you can take over here is that of cream, butter. There are innumerable which we will do in detail. So colloids में the particle size is in between 1 to 1000 और it appears to be homogeneous, but होता क्या है, it is heterogeneous. फिर उसके बाद suspensions में the size is larger than
It is larger than 1 nanometer or suspension speed. Heterogeneous होते हैं. Suspensions are also heterogeneous in nature. ठीक है? Clear हो गया? Example क्या ले सकते हैं? Sand plus water. So आप sand को जब पानी के अंदर dissolve करते हो, कोशिश करते हो तो क्या वो dissolve होती है? वो नहीं होती. वो धीरे-धीरे settle होने लग जाती है. तो suspension आप देख सकते हो उसको, sand particles को अलग देख सकते हो और वाटर को आप अलग देख सकते हो, दोनों फेसेस को सेपरेट कर सकते हैं. तो दैट इज सस्पेंशन. अनदर डिफरेंसेस अगर हम लोग देखें तो द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री इज कि ट्रू सॉल्यूशंस जो है इट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स दे पास थ्रू फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर also parchment membrane, pass through filter paper and also parchment membrane. Whereas जो colloids होते हैं, they pass through filter paper but cannot pass through पार्चमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है? और जो सस्पेंशंस होते हैं वो ना ही फिल्टर पेपर से पास होते हैं, दे नीदर पास थ्रू फिल्टर पेपर नॉट थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन. पास नहीं कर सकते, राइट? नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ विजिबिलिटी, तो ट्रू सॉल्यूशंस में हम लोग जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको नेकेड आईज के साथ नहीं देख सकते. अगर हमने सॉल्ट डिसॉल्व करा है तो वी कैन नॉट सी द डिसॉल्व पार्टिकल्स, ना ही हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. वेयर एज कोलॉइड्स में द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर विजिबल by a microscope. Naked eye से तो नहीं देख सकते हैं, but we can see it through a microscope. जो suspensions होते हैं, the suspended particles are visible through the naked eye. जैसे हम sand particles को आराम से देख सकते हैं, so this is another difference. One important difference over here is, which we will study in detail later also, that is the Tyndall effect. ठीक है, जो true solutions होते हैं, they do not show Tyndall effect. क्या होता है Tyndall effect? कि जो light pass होती है through true solutions, अगर हम एक ग्लास लें और उसके अंदर हम NaCl का सॉल्यूशन लें और टॉर्च से हम उस पे लाइट डालें, तो हम देखेंगे कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं है इन ट्रू सॉल्यूशंस. व्हेयरएज जब हम कोलॉइड्स में देखते हैं तो दैट पाथ इज विजिबल. सो दिस शोस टिंडल इफेक्ट. राइट, एंड सस्पेंशंस आल्सो शो टिंडल इफेक्ट. That means कि जो Tyndall effect है वो कौन show कर रहा है? All those which have a bigger particle size. So Tyndall effect is nothing but it is the scattering of light. तो अगर milk देते हैं हमें किसी भी glass में और light pass करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि उस light का जो path है that is visible. ठीक है? So Tyndall effect is generally shown by a bigger particle size. क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता. सिमिलरली
जैसे जनरल इफेक्ट पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह से एक और क्या बोलते हैं उसको इफेक्ट होता है विच इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट. सो जो ट्रू सॉल्यूशंस होती हैं दे डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट इज द जिगजैग पाथ जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स अटेन करते हैं. तो इसके जो पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इट इज नॉट एबल टू शो ब्राउनियन मूवमेंट. जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं दे शो ब्राउनियन मूवमेंट, व्हेयर सस्पेंशंस का अगर पार्टिकल साइज छोटा है दे मे शो, पर अगर पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है तो देन दे आर ऑल्सो दे विल ऑल्सो नॉट शो द ब्राउनियन मूवमेंट. राइट. अब अमंगस्ट ऑल दीज थ्री हमने ट्रू सॉल्यूशंस ऑलरेडी पढ़ लिए, सस्पेंशंस में हमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोलॉइड्स. राइट. सो लेट्स गो ऑन टू द स्टडी ऑफ कोलॉइड्स इन डिटेल. So let's go on to colloids. When we go to study the colloids, colloids consists of two different phases. क्योंकि हम बोल रहे हैं कि colloids क्या हैं? They are heterogeneous in nature. So colloids के पास दो different phases हैं. One which is known as the dispersed phase. And the other one, which is known as the dispersion medium. Okay, जो dispersed phase होता है, that is nothing but it is collateral, or you can say dispersed phase जो है, that is like the solute particle. Why? Because dispersed phase is always in lesser quantity, whereas dispersion medium जो है that can be correlated to the solvent in true solutions, or जो dispersion medium है that is always in greater quantity. Right? Now when we want to do the classification of colloids, the colloids are classified on three bases. First jo base hai that depends upon the type of dispersed phase. Dispersion medium. ठीक है. Second classification that is based on nature of interaction. Nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. ठीक है. And third जो classification हम करेंगे that is going to be based on type of particles of the dispersed phase. Classification of colloids में सबसे
सबसे पहले हम चलते हैं टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसी भी तरह का हो सकता है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. एक टेबल सा बनाते हैं. फर्स्ट में हम लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम type of colloid and exactly right. So first dispersed phase, let's say ki humne dispersed phase le liya hai solid, dispersion medium bhi solid, the colloid that is known as solid sole. Colloid is known as solid sole. Example iska kya aayega? Alloys. All alloys they come under this category. फिर जो gemstones हम पहनते हैं, जैसे पुखराज वगैरह पहनते हैं ना, कोई पंडित बुला बताते हैं कि पुखराज पहनना है येलो कलर स्टोन, या कैट्साई पहनते हैं द व्हाइट कलर स्टोन, रूबी और कौन कौन से होते हैं एमरल्ड, जितने भी जेम स्टोन्स होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. रूबी इज रेड कलर, एमरल्ड इज ग्रीन एंड गार्नेट इज ब्लू, राइट. सो सारे जेम स्टोन्स. फिर यू मस्ट हैव सीन कि कहीं कहीं पुरानी बिल्डिंग्स में या बहुत खूबसूरत होटल्स वगैरह में कलर्ड ग्लासेस लगाए होते हैं. वो जो कलर्ड ग्लासेस हैं, दे आल्सो कम अंडर सॉलिड सोल्स, राइट. इन द सेकेंड केस वी आर गोइंग टू चेंज द डिस्पर्जन मीडियम. द डिस्पर्जन मीडियम दैट इज चेंज्ड टू लिक्विड, दिस इज नोन एज कोलोइड, इज नोन एज सोल. पेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. सेल, हमारे सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, प्लाज्मा वगैरह, वो सारे इसके अंदर आते हैं. फिर इसके अलावा वी हैव गोल्ड सोल, स्टार्च, दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी. स्टार्च विल आल्सो, स्टार्च इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ कोलोइड, ठीक है. थर्ड, अगेन हम चेंज कर रहे हैं dispersion medium to gas. This is known as aerosol. Aerosol, example iska smoke. Smoke is an example. Dust storm. उसके बाद नेक्स्ट में नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द डिस्पर्स्ड फेज. द डिस्पर्स्ड फेज इज वी आर टेकिंग लिक्विड. एंड द डिस्पर्शन मीडियम वी आर टेकिंग एज सॉलिड. सो इनको हम लिक्विड एंड सॉलिड काइंड ऑफ कोलोइड्स भी बुलाते हैं. दे आर नोन एज जेल्स. ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. लिक्विड एंड सॉलिड, इट इज नोन एज जेल. एग्जाम्पल इज जेली, जो हम खाते हैं जेली, बटर, चीज. नाउ यू मस्ट हैव सीन दैट इन ऑल दीज डिस्पर्जन मीडियम हमने बोला कि जो ज्यादा वाला है दैट इज द डिस्पर्जन मीडियम. सो बटर अगर हम लेते हैं तो बटर में क्या है? सॉलिड इज. यू मस्ट हैव सीन कि अगर बटर को हम फ्रिज में से निकालते हैं या अदरवाइज ऑल्सो बटर को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे तो उसके आफ्टर उस पे यू कैन सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है. सो दैट लिक्विड दैट इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड एंड देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज जेल. नेक्स्ट में वी आर चेंजिंग द डिस्पर्शन मीडियम टू लिक्विड. द
This is again an important colloid from examination point of view. It is known as emulsion. And the best example, the most common example that we have, that is milk. Liquid in liquid, emulsion, milk. Iske ilawa medicines bhi hai. Medicines, hair cream. Hair cream is another example. Theek hai? Phir sixth, liquid in gas. Dispersion medium humne phir se change kar diya. This is also known as aerosol. Iske examples hain fog, mist. Aap dekhte ho na mist. Abhi jaise aajkal rainy season mein mist kya hoti hai? All the time moisture is there in the atmosphere. तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो, चाहे रात को बारिश नहीं भी हुई हुई है, तो ग्लासेस अगर आपके विंडो के ग्लासेस हैं, उस विंडो के ग्लासेस के ऊपर पानी पानी नजर आने लग जाता है. ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कैन बी सीन. दैट इज ड्यू टू द ह्यूमिडिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर. और एक और बड़ा कॉमन एग्जाम्पल जिसके बारे में आपको पता है, गांव से आए हैं, अभी तो स्प्रे होनी शुरू हो गई है ना, खत्म हो गई है एप्पल के चीज में, हो नहीं रही अभी कि बेच दिए सेब, बेच दिए. अच्छा चलो, जब भी होती है. सो इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो है, दैट इज अनदर एग्जांपल. द नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड. गैस इन सॉलिड, दिस इज नोन एज सॉलिड सोल. Example of this is pumice stone. क्या होता है pumice stone? It's a red color stone which is used as a foot scrubber. ठीक है? और foam rubber जिसके mattresses बनते हैं, that is also an example of this. Foam rubber. Then the last one is gas in liquid. This is known as foam. Example, soap lather. और जो केक के ऊपर क्रीम्स होती हैं, व्हिप्ड क्रीम उसे हम बुलाते हैं. Soap lather and whipped cream, right? So ये one mark का question आता है, या तो आ सकता है कि what is a gel, या आ सकता है कि what is the colloid in which liquid is suspended in solid board. Give examples. So इस तरह के question आ सकते हैं. इसमें से सारे cross वाले section में आएंगे one one mark के question. ठीक है? So this is an important part. Okay? इसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, दे आर जेल एंड इमल्शंस, जो भी हमने डिटेल में भी पढ़ने हैं. क्लियर हो गया? देन वी गो ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. The second classification, nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Depending upon this, the colloids they are classified into two. The first one, they are known as lyophilic colloids. Lyophilic, philic means love. So lyophilic colloids, they have affinity
for, now you can say the dispersed phase has affinity for dispersion medium. कि हम dispersed phase को dispersion medium के अंदर जाते हैं, डालते हैं, तो they have an affinity, attraction, love for the dispersion medium. They readily get mixed up. ठीक है, so dispersed phase के जो particles हैं वो आराम से dispersion medium के अंदर mix हो जाते हैं. An example which we can take over here is that of jelly. These are reversible in nature. Reversible in nature का मतलब क्या हुआ कि if you have seen how jelly is made, jelly के crystals market में मिलते हैं. And what we do is कि हम पानी थोड़ा सा गर्म करके हम जेली के क्रिस्टल्स को उनके अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर उनको फ्रिज में डाल देते हैं. As a result of which जो जेली के क्रिस्टल्स हमने डाले थे वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं, राइट? और फिर जेली बन जाते हैं. यू सीन हाउ जेली कीप्स मूविंग ना. उसके बाद अगर हम उस जेली को बाहर पड़े रहने देंगे, कूलिंग टेम्परेचर पे नहीं लाते हैं बट रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, तो वी कैन सी ओनली रेड वाटर या वट एवर कलर जेली वॉज ट्राइंग टू मेक, सिर्फ हमें कलर्ड वाटर ही नजर आता है. तो उसमें क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो अलग अलग हो गए. थोड़ा और टाइम के लिए पड़े रहने दोगे तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो सेटल होने लग जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज वॉट रिवर्सिबल नेचर इज. देन थियोफिलिक, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनहिबिशन. Inhibition is swelling up on absorbing water. If the dispersed medium, yeah, dispersion medium, that is water, these colloids, they are given another name. इनको हम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स भी बुलाते हैं. हाइड्रो मींस वाटर, सो दे हैव इन दिस डिस्पर्स्ड फेज जो है इट हैज लव फॉर वाटर, अफिनिटी फॉर वाटर. यहां पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, सो ये नियोफिलिक है. एग्जाम्पल्स हम नियोफिलिक का क्या ले सकते हैं? गम, जेलेटिन, ये पुडिंग्स वगैरह में डलता है, प्रोटीन्स एंड These are examples of neophilic. Right? Then the second one is leophobic. Leophobic means phobic is hatred. So its dispersed phase has no affinity. No affinity towards dispersion medium. ठीक है, then secondly they are irreversible in nature. Irreversible ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पे dispersed phase और dispersion medium में chemical forces of attraction होते हैं. ठीक है, chemical forces of attraction. Clear?
देन नेक्स्ट जो लियोफोबिक है उसमें हम उनको इजिली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट नहीं कर सकते. सो दैट वी ऑलरेडी रिटन कि दे आर इरिवर्सिबल. एग्जांपल्स इसके जो हम ले सकते हैं आर्सेनिक सल्फाइड का सोल, क्योंकि आप देखो केमिकल्स हैं ये, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, दिस इज अनदर एग्जांपल. सो ये सारे के सारे जो है दे कम अंडर लियोफोबिक. क्लियर हो गया? ओके अब इसमें अगर सपोज जो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल ले रहे हैं या फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल ले रहे हैं, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू हीटिंग, जैसे हम हीट कर रहे हैं इनको, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी इसकी. सो जब भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो हम वापस सिर्फ शेक करने से या टेम्परेचर कूल डाउन करने से हम वापस उसको कोलॉइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो वंस डिस्ट्रॉयड दे कैन नॉट बी रीफॉर्म्ड. अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक. तो थर्ड टाइप ऑफ कोलॉइड्स या थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. अब इस सेक्शन में से डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक. तो आपने पांच पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं जो कि आप डाल सकते हो इसमें. दिस हैज एफिनिटी, दिस हैज नो एफिनिटी. ठीक है, इसमें इट गेट्स रेडिली मिक्स्ड अप. दिस डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम कैन नॉट बी मिक्स्ड बाय मेयर शेकिंग. राइट, यहां पे दे आर रिवर्सिबल, दीज आर इररिवर्सिबल. इधर वीक वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, यहां पे केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट. दीज वंस डिस्ट्रॉयड कैन बी रीफॉर्म्ड, यहां पे वंस डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी रीफॉर्म्ड. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच यू गेट. राइट, लेट्स गो ऑन टू द थर्ड क्लासिफिकेशन. थर्ड क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज. Depending upon this, the colloids, they are classified into first, multimolecular colloids. Multimolecular colloids में जो dispersed phase particles होते हैं उनका size बहुत छोटा होता है. ओके, सो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं लेस देन 1 नैनोमीटर. ओके, डिस्पर्स्ड फेज हैज साइज लेस देन 1 नैनोमीटर. तो अगर लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो क्या होगा? तो ट्रू सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आ गया. तो यहां पे क्या होता है कि ये जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं ये एग्रीगेट हो जाते हैं एग्रीगेट का मतलब दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दे एग्जिस्ट इन ग्रुप्स. ओके, तो जब ये एग्रीगेट होंगे तो साइज कम्स इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. राइट, तो अगर साइज इन बिटवीन 1000 to 1000 नैनोमीटर आ जाएगा तो दैट इज कंपैटिबल विद द कोलॉइडल पार्टिकल रेंज. तो ये जो है दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक कोलॉइड्स. एग्जाम्पल मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का क्या है? सल्फर का सोल S8, एंड ऑल्सो गोल्ड सोल.
मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या आ रहा है, हो रहा है कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, पर वो इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और साइज जो है वो इन बिटवीन 1 टू 1000 नैनोमीटर आ जाता है और वो बिहेव करने लग जाते हैं एज कोलॉइड्स, राइट। द सेकंड टाइप इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में द पार्टिकल साइज इज ऑलरेडी बिग, सो दे हैव बिग साइज मॉलिक्यूल्स, राइट, दे हैव बिग साइज मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जब भी हम इसे डिसोल्यूट करेंगे या डिसॉल्व करेंगे इन डिस्पर्स्ड फेज द साइज बिकम्स इन बिटवीन 1 टू 1000 नैनोमीटर, तो वो खुद से ही कोलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। एग्जांपल्स मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स के, सेलुलोज, स्टार्च, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, ठीक है, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के अंडर आते हैं। अब जो इनके सॉल्यूशंस हैं या कोलॉइड्स हैं ये काफी स्टेबल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी easily separated into dispersed phase and dispersion medium. The third type is very very important. They are known as associated colloids. इसी के अंदर आता है the third type of colloid under the third category. That is known as associated colloids. क्या होते हैं associated colloids? हम बोलते हैं कि those colloids which behave as normal electrolytes at low concentration which behave as normal electrolytes at low concentration but as colloids. Which have size in between 1-2000 nanometers and are formed by association of colloids in solution.
क्या बनाते हैं, दे आर नोन एज मिसाइल्स। ओके, अब मिसाइल्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, विच इज नोन एज, विच इज रिप्रेजेंटेड एज टी के, एंड विच इज नोन एज क्राफ्ट्स टेम्परेचर। ठीक है, सो क्राफ्ट्स टेम्परेचर क्या हुआ, इट इज द टेम्परेचर एट विच मिसाइल फॉर्मेशन बिगिंस, राइट। और उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की भी जरूरत होती है, विच इज नोन एज सीएमसी, क्रिटिकल मिसाइलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। स्पेसिफिकली अगर हम सोप्स के लिए बोले तो इट कम्स टू अराउंड 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 से 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर मिसेल्स की फॉर्मेशन शुरू होगी। ओके, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन लेस देन सीएमसी है तो मिसेल फॉर्मेशन डज नॉट बिगिन। बेसिकली मिसेल्स क्या है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सोप्स, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सोप लेते हैं सोडियम स्टीरेट व्हिच इज C17 H35COONA, this is sodium stearate. अगर हम इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये इमीडिएटली ब्रेक करता है इनटू C17 प्लस Na पॉजिटिव। ये जो C17 स्टीरेट आयन जिसे हम बुलाते हैं C17H35COONA, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। हम बोलते हैं कि कोई भी एक मिसाइल है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ a polar head and a non-polar tail. The non-polar tail is a long chain which consists of C17 H35 attached to the polar head which is represented by COO-. ठीक है, अब जो नॉन पोलर टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब इट इज वॉटर हेटिंग। ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक का मतलब इट इज वॉटर हीटिंग, वेयर एज द पोलर हेड दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर मतलब वॉटर लविंग। इसी के बेसिस पे क्लेंजिंग एक्शन जो है सोप का वो हम कल एक्सप्लेन।